चमोली की, जहां के इंटर कॉलेज पीपल कोटी और गडोरा में काफी समय से शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों की मांग को लेकर ग्रामीण मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं पीपल कोटी में भी लगभग 300 के अधिक छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन वहां भी शिक्षकों के कई पद खाली पड़े हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला ने कहा कि जल्द ही इन विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती कर दी जाएगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। विद्यालयों में हस्तांतरण किया गया और इनके द्वारा जो हमारे विद्यालय में रिक्त पदों की जो है शीघ्र नियुक्तियां नहीं की गई है और हमारे छात्रों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, इसके लिए हमें जो है सहन नहीं कर पा रहे हैं और हमें जो लगातार जो इनसे जो है हमने अपने जो प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रेषित किए गए हैं, इनके द्वारा क्या हमारे ये कार्रवाई की गई उन प्रार्थना पत्रों पे या क्या आश्वासन ये हमको देंगे। और मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता से, हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे स्कूल में टीचरों की बहुत कमी है, हमारे स्कूल में जो प्रधानाचार्य का पद रिक्त है और जो मैथ्स के टीचर है उनका पद रिक्त है, भौतिक विज्ञान का पद रिक्त है, अर्थशास्त्र के पद टीचरों का पद रिक्त है, हम अपने बच्चों के रखा है। अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी मांगों को और हमारे विद्यालयों को पीपलकोटी गडोरा में अगर अध्यापक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो हमारा धरना प्रदर्शन आगे चलेगा और मौका मिलने पर अगर हमें राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करना होगा तो हम उसके लिए भी राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम कर देंगे। सर, ऐसा है कि अध्यापकों की व्यवस्था हो रही है, थोड़ा सा जो भी ट्रांसफर्स हुए हैं वो अनिवार्य ट्रांसफर थे, उसकी वजह से थोड़ा सा अध्यापकों की स्थिति में परिवर्तन आया है। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसी आशा है कि गेस्ट टीचर मंडल से आएंगे और बाकी हम नहीं तो इंटरनल अरेंजमेंट कर रहे हैं। अगर हम कहीं पर टीचर्स की शेयरिंग करनी पड़ रही है तो हम टीचर्स की शेयरिंग भी करेंगे और उनका रोटेशन भी लगाएंगे जहाँ पर खास करके बच्चे कम हैं ऐसे।